लाइव नाउ न्यूज़ के सभी दर्शकों को ऐश्वर्य निगम का सादर प्रणाम। आप सभी लोगों से दरख्वास्त है, निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये जो इलेक्शन आ रहा है, ये जो वोटिंग आ रही है, ये सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है, हमारा हक भी है। तो ये हक और अधिकार दोनों को समझते हुए उस दिन किसी भी और काम को इम्पोर्टेंस ना दें, घर से निकलें, वोट करें और अपनी किस्मत, अपनी डेस्टिनी अपने हाथ में लें। थैंक यू वेरी मच। क्या आप सफेद दाग से परेशान हैं? तो अब परेशानी आपसे दूर जाने वाली है। इलाज शुरू होते ही दाग का रंग बदलने लगेगा और शीघ्र सभी दाग, नए हो या पुराने हैं, छोटे हो या बड़े, जड़ से मिट जाएंगे। पहले आपने कहीं भी इलाज कराया हो तो भी हमारी दवा को एक बार जरूर आजमाएं। हमारे यहाँ बवासीर, गुप्त रोग, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, सेक्स की कमी, एक्जिमा के सफल इलाज के लिए भी संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9430245723, 9708057600। 2019 लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। चुनाव की तारीखें भी निर्धारित कर दी गई हैं। सभी पार्टियों ने चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कमर भी कस ली है। वहीं कुछ कद्दावर और पुराने नेताओं ने नई पार्टी भी बनाई है और अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में कूद चुके हैं। पूर्व बीजेपी व हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया ने भी हिंदुस्तान निर्माण दल नाम से एक राष्ट्रीय पार्टी का गठन किया है। बिहार की 40 सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतार रही है। पार्टी ने किशनगंज लोकसभा सीट से तेज दर्रार और युवा चेहरे मोहम्मद जाहिद आलम को टिकट दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किशनगंज में एनडीए और महागठबंधन के बीच हिंदुस्तान निर्माण दल अपने पैर जमा पाती है या नहीं। किशनगंज से नसीम आलम की रिपोर्ट। की लड़ाई है जी, किशनगंज की बात करें तो महागठबंधन से आपकी लड़ाई है, तो महागठबंधन में क्या आपकी पार्टी क्या करेगी जो महागठबंधन से आप टक्कर ले पाएंगे? महागठबंधन में जितने भी कैंडिडेट आए हुए हैं वो सब सुरजापुरी से बिलोंग कर रहे हैं और हमारे शेरशाहवादी से कोई कैंडिडेट नहीं है, तो हम शेरशाहवादी के एक ही कैंडिडेट होंगे और हम चाहेंगे कि हम अपने शेरशाहवादी के सारे वोट इस पर ये दे के हम उनको जीत हासिल करें। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए और जम थम के इसके लिए काम करेंगे और हम इतना उम्मीद करते हैं कि हम इस बार ही उनको जीत दिला के रखेंगे। और जहाँ तक किशनगंज की बात है, किशनगंज मुस्लिम पॉपुलेशन एरिया है, तो मुस्लिम पॉपुलेशन एरिया है, उसके बावजूद किशनगंज में जो हमारी तैयारी रही है, किशनगंज के ज़्यादातर लोग एंटी बीजेपी हैं। एंटी बीजेपी का दो मतलब वहाँ है, क्योंकि वहाँ के लोग चाहते हैं कि जो आप बोल रहे हैं, जो आप हमें दिलासा दे रहे हैं वो कीजिए, तो वो वहाँ हो नहीं पाया जो हमने देख लिया इस 5 साल के अंदर। तो वहाँ के लोग जानबूझकर ये कोशिश करेंगे कि कोई भी ऐसी पार्टी जो इस देश के लिए काम करे, नेशनलिज्म पर काम करे, उनको सपोर्ट करेगी। और हमारे पास वहाँ के समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो मेजॉरिटी लोग सपोर्ट करना चाहती है ऐसी पार्टी को जो देश के लिए काम करे, किसानों के लिए काम करे, सबको ग्रो करने के लिए काम करे और सिर्फ बात पे नहीं, जो हम कहेंगे उतना हम कर पाए, ऐसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। इस हिसाब से देखा जाता है कि हमारी जो पार्टी है आपकी हिंदुस्तान निर्माण दल, ये पार्टी कोशिश कर रही है नेशनलिज्म पर और किसानों पर सबसे ज़्यादा मेहनत कर रही है कि किसान को इंडस्ट्रियल लेवल पर आगे बढ़ाया जाए। तो इस हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो मेहनत रहेगी, एक तो हम एंटी बीजेपी वहाँ के लोग के मेंटेलिटी है, दूसरी बात है कि हम उनके फेवर में काम कर पा रहे हैं और हम जितना कहते हैं उतना कर पा रहे हैं। इस वजह से हमारी पूरी तैयारी इस पर बेस है और उम्मीद है कि इस बार जो भी हो पाएगा आपके सामने रहेगा, सब कुछ आप देख पाएंगे ज़रूर। रहोबोत मिशन स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान स्थापित करने वाली इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित केरल मिशनरी दल द्वारा संचालित एकमात्र शिक्षण संस्थान
छात्रावास की सुविधा के साथ रोहबोत मिशन स्कूल सिंगेला मोतीपुर मुजफ्फरपुर। रजिस्ट्रेशन और एडमिशन के लिए संपर्क करें